हाय फ्रेंड्स, नब्बारती परिवार में आपका स्वागत है। आई एम बलराम गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर नब्बारती, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर। तो दोस्तों, आज मैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान भाग 6 को लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में राजस्थान के एकीकरण के बारे में अध्ययन किया, लगभग राजस्थान का एकीकरण हम पिछली कक्षाओं में पूर्ण करा चुके हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में, एक यानी कि 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक पूर्ण हुआ था, जिसमें जो 7वां चरण था उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। यानी कि जो 7वां चरण था, 7वां चरण जो पूरी तरह से जिसका राजस्थान नाम दिया गया था, राजस्थान 1 नवंबर 1956 को, तो 1 नवंबर 1956 को लगभग राजस्थान पूर्ण हो चुका था। तो उसमें सबसे बड़ी जो बात थी वो ये निकल आती है कि जिस प्रकार 5वें चरण में प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर दिया था और मुख्यमंत्री पद बना दिया गया था, उसी प्रकार 7वें चरण में, यानी कि राजस्थान के 7वें चरण में जो राजप्रमुख का पद था, जो सदैव रियासत में राजप्रमुख का पद चला रहा था, उसके स्थान पर राजप्रमुख का पद समाप्त करके और राज्यपाल का पद सृजित कर दिया था। राज्यपाल और राज्यपाल का पद सृजित करते ही जो प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे वो बनाए गए थे गुरमुख निहाल सिंह। यानी कि गुरमुख निहाल सिंह जो माननीय राज्यपाल बनाए गए थे प्रथम, और इनको प्रथम राज्यपाल माना जाता है क्योंकि पहले राजप्रमुख हुआ करता था, और जो मानसिंह द्वितीय थे वो राजप्रमुख थे, उनका पद समाप्त कर दिया और 7वें चरण के आते आते 1 नवंबर 1956 को राजप्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल बना दिया, और जिनमें राज्यपाल पर जो सुशोभित हुए थे प्रथम वो थे गुरमुख निहाल सिंह। एक इसमें जो 7वें चरण में सबसे बड़ी बात यह थी कि जो 6वें चरण में सिरोही में से छोड़े गए थे आबू और देलवाड़ा, इसके अलावा अजमेर और मेरवाड़ा, इन क्षेत्रों को 7वें चरण में जोड़ा गया था। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन इसमें क्या आया था कि जब 7वें चरण का निर्माण हो रहा था तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से सुनील टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में विलीन कर लिया था एवं झालावाड़ और कोटा क्षेत्र के, यानी कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से सुनेल टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में विलीन कर लिया था एवं
झालावाड़ और कोटा क्षेत्र के सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिला दिया था। तो यानी कि यह जो घटना है यह भी अति महत्वपूर्ण है, जो कि सातवें चरण में होती है। क्या होता है कि इसमें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से सुनील टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में विलीन कर लिया जाता है और झालावाड़ और कोटा क्षेत्र के सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिला लिया जाता है। कहने का मतलब एक दूसरे से कंप्रोमाइज करके क्या होता है कि मध्य प्रदेश को, यानी मध्य प्रदेश से सुनील टप्पा क्षेत्र ले लिया जाता है और मध्य प्रदेश के लिए जो सिरोंज क्षेत्र है, कोटा और झालावाड़ क्षेत्र, उसको मध्य प्रदेश के लिए दे दिया जाता है। तो इस प्रकार सातवें चरण के आते आते राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हो गया था। तो अब करते हैं दोस्तों हम अगले टॉपिक पर बात। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। स्थापत्य कला और स्थापत्य कला का सबसे जो ज्वलंत उदाहरण है राजस्थान के अंतर्गत वह है राजस्थान की दुर्ग। राजस्थान की दुर्ग कहने का मतलब राजस्थान के अंतर्गत जो स्थापत्य कला है वो कहां निवास करती है? राजस्थान के दुर्गों में। अब राजस्थान के दुर्गों का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में सबसे पहले राजस्थान के दुर्गों का उल्लेख मिलता है, यानी कि दुर्गों के बारे में जो चर्चा है वो सबसे पहले जो की गई है तो कहां की गई है? मनुस्मृति में। अब बात आती है कि राजस्थान के अंतर्गत दुर्गों का निर्माण करने वाला, जैसा कि एक पुस्तक है वीर विनोद और जिसके लेखक हैं श्यामल दास। वीर विनोद के जो लेखक हैं श्यामल दास, इन्होंने इस पुस्तक में उल्लेख किया है कि मेवाड़ के अंतर्गत 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था। सबसे पहले जो दुर्गों का उल्लेख मिलता है मनुस्मृति में, लेकिन वीर विनोद पुस्तक में श्यामल दास ने यह विवरण दिया है कि मेवाड़ के अंतर्गत 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण एकमात्र महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया था। और इसीलिए राजस्थान की जो स्थापत्य कला के जनक कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं? महाराणा कुंभा। यानी कि राजस्थान स्थापत्य कला के जनक महाराणा
कोमा। राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक महाराणा कोंबा कहलाते हैं, और इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि मेवाड़ के अंतर्गत जो 84 दुर्गों का निर्माण कराया था उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया था, इसलिए इनको स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। अब बात आती है दुर्ग। एक शब्द सुना होगा आपने किला, और एक है दुर्ग और एक है गढ़। देखिए मित्रों, किला कहो चाहे दुर्ग कहो चाहे गढ़ कहो, तीनों का मतलब एक ही है, यानी तीनों ही एक ऐसे हैं, पर्याय शब्द हैं, लेकिन अंतर है तो क्या है, वो ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा की दृष्टि से जो किला है वो गढ़ है और दुर्ग जो है वो बेटर है और गढ़ जो है वो बेस्ट है। कहने का मतलब जो किला है वो सुरक्षित है लेकिन दुर्ग से कम है, गढ़ है दुर्ग है वो सुरक्षित है, गढ़ है जो सुरक्षित है लेकिन दुर्ग से कम है। कहने का मतलब आप ये मान लीजिए कि किला दुर्ग और गढ़ आपस में इनका जो तीनों का संबंध है वो इस टाइप से है, गुड बेटर बेस्ट, अच्छा और इन दोनों में अच्छा और ये सबसे अच्छा, जो सबसे अच्छा माना जाता है वो गढ़ माना जाता है। देखिए दोस्तों, शुक्र नीति में क्या कहा गया है, शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं, 7 अंग होते हैं। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं, 7 अंग होते हैं। उन 7 अंगों में दुर्ग का उल्लेख किया है शुक्र नीति के अंतर्गत, और उस यानी कि दुर्ग को भी एक राज्य का अंग माना गया। ये किस में कहा गया है, शुक्र नीति में कहा गया है, शुक्र नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य के 7 अंग होते हैं और उन राज्य के 7 अंगों में दुर्ग एक अंग है। दुर्ग क्या है, एक अंग है। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि जब 7 अंग में दुर्ग एक अंग है तो आखिर शुक्र नीति के अनुसार 7 अंग कौन कौन से हैं, तो उनको भी जान लेंगे आप। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। नंबर 1 राजा, यानी कि राजा एक राज्य प्रशासन का मुखिया होता है और राजा सबसे बड़ा होता है और यह पहला अंग है। दूसरा है प्रजा। अब दोस्तों आप ये जान लेंगे कि जब प्रजा ही नहीं होगी तो राजा कहां से आएगा, राजा प्रशासन कहां से करेगा, यानी किस पर प्रशासन करेगा, यानी शासन कहां करेगा। तो शासन करने के लिए सबसे पहली जो आधारभूत इकाई है वो है प्रजा। तो राज्य के 7 अंगों में नंबर 1 राजा आता है और नंबर 2 प्रजा का आता है और नंबर 3 जो आता है वह है सेवा, सेवा यानी कि नौकर। यानी कि राज्य के 7 अंगों में पहला स्थान राजा का, दूसरा स्थान प्रजा का और तीसरा स्थान सेवक का, क्योंकि जब
राजा है तो उसके लिए सेवक और नौकर का होना भी अति आवश्यक है। नेक्स्ट है सेना। देखिए दोस्तों, यदि सेना नहीं होगी, यदि सेना नहीं होगी तो प्रशासन की रक्षा कौन करेगा? तो प्रशासन की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि सेना होनी चाहिए। और सेना जब किसी राज्य में होगी तो राज्य अच्छी तरह से अपना राज्य प्रशासन कार्य को कर सकेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है दोस्तों कि जिस प्रकार सात अंगों में राजा का स्थान मुख्य है, प्रजा का है, सेवक का है, सेना का है, उसी प्रकार जब सेना के साथ यदि गुप्तचर नहीं होंगे तो वो सेना भी बेकार है, क्योंकि सेना का सफल जो युद्ध नीति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो निभाता है गुप्तचर। और गुप्तचर जिस सेना में नहीं होगा उस सेना में सफलता हासिल करने में परेशानी आएगी। तो कहने का मतलब सेना के साथ पांचवा जो अंग माना जाता है वो माना जाता है गुप्तचर। गुप्तचर क्योंकि सेना बिना गुप्तचर के अधूरी मानी जाती है। तो राजा, प्रजा, सेवक, सेना और गुप्तचर। और छठवां जो अंग है राज्य के अंतर्गत, छठवां अंग होता है कोष। कोष से तात्पर्य जान रहे होंगे दोस्तों आप, तो जो कोष है कोष का तात्पर्य होता है धन, खजाना। क्योंकि इन सब के लालन पालन के लिए, इन सब को सबसे जो आवश्यकता होती है, जो आधारभूत आवश्यकता होती है वो कोष की होती है, खजाने की होती है। जब खजाना ही नहीं होगा तो राज्य का संचालन कैसे होगा? तो राज्य के सुचारू रूप से चलाने के लिए खजाना होना अति आवश्यक है। इसलिए शुक्र नीति में यह स्पष्ट कहा गया है कि जो छठवां अंग है वो है कोष या खजाना, और सातवां अंग है दुर्ग, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि दुर्ग राज्य के अंगों के अंतर्गत आता है। बिना दुर्ग के कहां खजाना होगा, कहां सेना होगी, कहां राजा होगा, कहां गुप्तचर रहेंगे। तो इन सब के लिए आवश्यक है कि एक सफल पूर्वक, यानी सफलता पूर्वक एक राज्य के निर्माण के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उसके लिए दुर्ग भी होना आवश्यक है। यदि जिस राज्य में दुर्ग नहीं है तो उसको शुक्र नीति के अनुसार एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। राज्य का दर्जा केवल और केवल उसको दिया जा सकता है शुक्र नीति के अनुसार, जो इन सात अंगों को रखता है। यदि राजा, प्रजा, सेवक, सेना, गुप्तचर, कोष, दुर्ग इन सात अंगों में से और एक भी अंग यदि नहीं है तो शुक्र नीति के अनुसार उसको राज्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा शुक्र नीति में दुर्गों को भी बांटा गया है, यानी कि दुर्ग के भी प्रकार बताए गए हैं, जैसे शुक्र नीति के अनुसार शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को नौ भागों में बांटा गया है। यानी कि दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो शुक्र नीति ने राज्यों का जिस प्रकार बंटवारा किया है, यानी अंग माने गए हैं, यानी सात अंग माने गए हैं,
उसी प्रकार शुक्र नीति में जो दुर्ग हैं उनको भी नौ भागों में बांटा गया है, यानी कि नौ प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। जैसे एरण दुर्ग है, पारिद दुर्ग है, पारिख दुर्ग है, यानी पारिद और पारिख दोनों ही दुर्गों में अंतर है। हम नौ दुर्गों के बारे में जो विस्तृत चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन इतना जान लेते हैं कि जो शुक्र नीति में नौ दुर्ग बताए गए हैं उनमें, यानी जैसे पारिख दुर्ग है और पारिद दुर्ग है, तो दोनों में ही अंतर है। पारिख दुर्ग का तात्पर्य यह होता है कि जिसके चारों ओर खाई हो और खाई जल से भरी हो, उसको कहा जाता है पारिख दुर्ग। और पारिद दुर्ग का मतलब यह होता है कि जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण कराया गया हो। ये दोनों में खास अंतर होता है। दोनों ही दुर्ग अलग अलग तरीका के होते हैं, क्योंकि पारिद दुर्ग में बड़ी बड़ी दीवारों से सुरक्षा की जाती है और पारिख दुर्ग में चारों तरफ खाई खोदकर उसमें जल भरा जाता है। इसका जो ज्वलंत उदाहरण है वो भरतपुर का किला है। भरतपुर का किला और डीक का किला दोनों ही ऐसे दुर्ग हैं जिनमें चारों तरफ खाई है और खाई को चारों तरफ, यानी खाई के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, और जब पानी भरा हुआ है और खाई है चारों तरफ, तो सीधा ही वो जो दुर्ग है वो किसके अंतर्गत आता है? पारिख दुर्ग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।